नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोग के समक्ष जो है दालचीनी लेके आया हूँ। देख रहे हैं, ये आपका जो है दालचीनी है और ये जो है गिलोय है, जो कि आप लोग गिलोय के बारे में बता दिया हूँ। तो गिलोय इसलिए लाया हूँ कि गिलोय का जो अर्क निकाले हुए थे वो ख़त्म हो गया, तो दोबारा गिलोय का अर्क निकालने के लिए लाया हूँ। तो आइए आज जो है विशेष चर्चा जो है दालचीनी पर करते हैं। ये जो है ये दालचीनी है, तो मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को अवश्य बजा दें। ये जो दालचीनी है देख रहे हैं, ये जो दालचीनी है इसको जो है आप लोग चाय के रूप में ले सकते हैं, काढ़ा के रूप में ले सकते हैं, सब्जी बना रहे हैं उसमें भी ये जो है दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। ये जो दालचीनी है कौन कौन से रोग में काम आता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो है आपको फंगल इन्फेक्शन कैसा भी हो उसमें जो है ये रामबाण औषधि है। आपको एलर्जिक जिसमें जैसे सर्दी खांसी बुखार दमा, एलर्जी के चलते सर दर्द, उन सभी रोगों में जो है आपको ये जो है दालचीनी बहुत ही कारगर औषधि है, लाभकारी औषधि है। यही नहीं, ये वैसा दालचीनी है, चीनी उसके पहले दाल लगा हुआ है, ये ऐसा दालचीनी है जो कि शुगर के लिए भी ये जो है बहुत ही कारगर औषधि है। शुगर में भी जो है इस दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें जो है ये बहुत ही लाभकारी औषधि है। इसके अलावा जिनको शरीर में ज़्यादा फैटनेस आ गया हो, मोटापा हो गया हो, उसमें जो है शरीर को न्यूट्राइज रखने के लिए जो है आपको दालचीनी का प्रयोग करते हैं। तो ये जो दालचीनी है बहुत ही लाभकारी औषधि है, कारगर औषधि है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को बजा दें। ये जो दालचीनी देख रहे हैं ये शरीर को इम्यूनिटी शक्ति बरकरार रखता है। जिनको शरीर में सुस्ती हो गया हो, जिनके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के चलते जो है बीपी की शिकायत हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, उस सभी में जो है आपको ये जो दालचीनी देख रहे हैं बहुत ही कारगर औषधि है। आपको कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखता है, बीपी को कंट्रोल रखता है। इसके अलावा शरीर के इम्यूनिटी शक्ति जो है उन सभी में ये आपका जो दालचीनी देख रहे हैं काफ़ी लाभकारी औषधि है, कारगर औषधि है। जिनको सर्दी खांसी दमा एलर्जी किसी प्रकार का हो, उन सभी में जो है आपको दालचीनी लाभकारी औषधि है, कारगर औषधि है। तो मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को अवश्य बजा दें। ये दालचीनी में जो है आपको इसको सेवन जो है बड़े लोग जो है एक चम्मच सेवन कर सकते हैं, और मध के साथ इसका सेवन किया जाए तो और ही बेहतर रहेगा, शहद के साथ मध के साथ इसका सेवन किया जाए तो बहुत ही कारगर होती है। अगर बड़े आदमी हो तो एक चम्मच जो है इसको सेवन करें, अगर छोटा बच्चा हो तो आधा चम्मच या उससे हल्का कम जो है इसका सेवन कर सकते हैं। तो मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसका आप लोग सेवन कीजिए, इससे जो है आपका शरीर का इम्यूनिटी शक्ति बरकरार रहता है। हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया हो तो उसको नियंत्रण करता है, हाई बीपी हो गया हो तो उसको नियंत्रण करता है, शरीर में एलर्जिक हो गया सर्दी खांसी बुखार दमा
इन सभी में जो है बहुत ही कारगर औषधि है। जिनको हार्ट की परेशानी हो उनके लिए भी ये दालचीनी बहुत ही कारगर औषधि है। तो ये जो है आपको बताइए दे कि ये जो गिलोय लाए थे, गिलोय के बारे में जो है आपको अपने चैनल पर जो है गिलोय के बारे में बता दिया हूँ, फिर भी एक गिलोय के बारे में बता दिया हूँ तो आप लोग गिलोय को जो है मेरे चैनल पर आप लोग जाके गिलोय के बारे में जान सकते हैं। तो ये जो मैं दालचीनी के बारे में बताने जा रहा हूँ बता रहा हूँ तो इसको आप लोग नियमित रूप से सेवन कीजिए, इसका सेवन कीजिए, लाभ उठाइए और शरीर को इम्यूनिटी शक्ति बरकरार रखिए। इसमें जितना खासियत है उन खासियत को आप लोग जानिए और इसका प्रयोग कीजिए, आप लोग स्वस्थ रहें। बस मैं इतना ही कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।